सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आज भवनाथपुर के रोहिणिया गांव में मानव सेवा जागृति मिशन के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें क्षेत्र के सुख समृद्धि शांति एवं खुशहाली के लिए यज्ञ हवन किया गया। साथ ही जरूरतमंद लोगों समाज सेविका महिला शर्मा रंजनी एवं पुरोहित पंडित ब्रिजनाथ अंचल अमीन कुंदन कुमार ठाकुर के द्वारा मुख्य यज्ञमान की समाप्ति किया गया। साथ ही कोरोना महामारी से मृत होने वाले लोगों को ओम जाप करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया एवं कोविड-19 का टीका भी 50 लोगों को लगा। मौके पे समाज सेवी मनोज कुमार यादव, सर्वेश कुमार ठाकुर, प्रभु प्रसाद यादव, राजमोहन यादव सहित काफी जनता लोग उपस्थित थे। खरौंधी से रिकेश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। मानव जागृति सेवा मिशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मानव सेवा जागृति मिशन यह एक सामाजिक संगठन है। यह संगठन जो है, जो भी गरीब लोग हैं, असहाय हैं या किसी तरह से वंचित हैं, उनकी सहायता में यह संगठन हर पल हर समय तत्पर है। आज 9 वर्ष की शुरुआत यज्ञ हवन के माध्यम से हुआ, जिससे हम लोगों ने प्रार्थना किया कि 2021 है, कोरोना के साथ हम लोग जो परेशान रहें, भय से रहें, उससे मुक्ति मिले। यह नए साल की शुरुआत हम लोगों को सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ हो, इसी कामनाओं के साथ हम लोगों ने यज्ञ हवन का कार्य संपन्न किया। मानव जागृति मिशन का जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम लोग अपने समाज को, अपने को स्वस्थ रहने के लिए योग शिविर के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। और हमारे समाज में का मुख्य बिंदु हम लोगों का है कि मानव जागृति मिशन के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर और सभी लोगों को इसका लाभ दिलाएं और स्वयं अपने भी लाभ लें। इसके तहत हम लोग अपनी पंचायत बंसानी में ग्राम रोहिणिया के अंतर्गत मानव जागृति मिशन के तहत प्रत्येक दिन योग शिविर लगा करके लोगों को जागरूक करते हैं।